ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। तो चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को एक स्नोमैन एंड उसके बाद आप सभी को एक गिफ्ट के जो पीएनजी, आप सभी को दोनों को ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को पहले तो गिफ्ट के पीएनजी को नीचे कर देना है। एंड जो आपका ये स्नोमैन है, इसको गाइस आप सभी कुछ स्टेप से यहाँ पे रख देना है। एंड उसके बाद जो गाइस गिफ्ट का पीएनजी है, पहले तो आपको इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को कुछ स्टेप से यहाँ पे रख देना है, ठीक है। एंड अच्छे तरीके से मतलब ऐसे रोटेट करके, एंड यहाँ पे रख देने के बाद गाइज, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को इसी का एक डुप्लीकेट कर लेना है। एंड डुप्लीकेट कर लेने के बाद गाइज, आप सभी को कुछ यहाँ पे इस टाइप से ऐसे रख देना है, ठीक है। तो इसको मैं पहले थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो मतलब कि मतलब लगे कि हाँ यहाँ पे मतलब कि दो मतलब थोड़े ज़्यादा पीएनजी रखे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से रख लेंगे गाइज, है ना, ऐसे। एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डन कर देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, यहाँ से हम अपने मॉडल को ऐड करेंगे, ठीक है गाइज। एंड जो मॉडल है हमारा कुछ गाइज इस टाइप से आप सबको यहाँ पे रख लेना है। फिर उसके बाद आपको मॉडल का जो मतलब शेडो जो है गाइज, वो कैसे बनाना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो आप सभी को मैं एक पीएनजी दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं मॉडल को लगा लेता हूँ। एंड यहाँ पे हम ऐड फोटो में चलते हैं फिर यहाँ से। एंड यहाँ से जो है मॉडल सॉरी शेडो का पीएनजी ले लेते हैं। एंड गाइज, शेडो का पीएनजी को जो है गाइज, आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देना मॉडल के नीचे, परफेक्ट तरीके से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख देते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइज, आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको दोबारा से ऐड फोटो पे जाना है। कि और पीएनजी आप सभी को मैं दे दूंगा यहाँ पे, M4 का ग्लेशियर का जो पीएनजी है, ठीक है। तो इसको आप सबको कुछ स्टेप से यहाँ पे रख देना है इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब आपको साइज जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एंड उसके बाद ऐसे रख देने के बाद गाइज, आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पर डन कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना है ऐसे दोबारा ऐड फोटो में। एंड यहाँ से गाइज, आप सभी को जो है ब्लू कलर की लाइट पीएनजी का ब्लू कलर का लाइट पीएनजी मिल जाएगा। तो इसको आप सभी को स्क्रीन कर देना है यहाँ पे सिंपली ब्लेंडिंग मोड में जाके। एंड गाइज, इसको कुछ स्टेप्स रख देना है। एंड उसके बाद आप सबको गाइज साइड में जो पॉइंट्स दिख रहा होगा आपको, ये जो गाइज यहाँ पे आपको देखेगा जी। एंड इसको आपसे कुछ स्टेप्स ऐसे लंबा कर देना है, ठीक है। इसको जिस स्टेप से एंड मतलब कि इतना लंबा करना है कि मतलब आपका जो ग्लेशियर जो M4 है इसके मतलब कि पूरे में फिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज देखिए, यहाँ पे परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम डन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइज, हम जाएंगे दोबारा से यहाँ पे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, यहाँ से आप सभी को एक पीएनजी और दे दूंगा मैं, ठीक है। ये वाला विग्नेट का, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको फुल स्क्रीन करके ऐसे ऐड कर देना है। एंड साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को परफेक्ट डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या करना है गाइज, आप सभी को अब यहाँ पे फोटो को इसको सेव कर लेना है। एंड इसको लेकर चले जाना है लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइज, आप सभी को फिर करना है, आप सभी को इस लाइट वाला ऑप्शन में जाना है। एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट है गाइज, आप सभी को आगे की तरफ बढ़ा देना है। हाई लाइट है जो गाइज, इसको भी बढ़ा देना है। एंड गाइज, जो शेडो है इसको थोड़ा कम कर देना है। एंड जो व्हाइट इसको बढ़ा देना है। एंड जो ब्लैक है गाइज, इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद चले जाना है आपको कलर्स वाले ऑप्शन में। फोटो की जो वाइब्रेशन है आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद फोटो का जो टेम्परेचर इसको माइनस कर देना है। एंड चले जाना कलर मिक्स में, ओरिजिनल को चेक करना है, इसके सैचुरेशन जो है इसको आप माइनस कर देना, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं। एंड इसका ल्यूमिनस आप बढ़ा देना। एंड उसके बाद आपको जाना येलो कलर में, इसका ह्यू माइनस कर देना, सैचुरेशन प्लस कर देना। फिर उसका जाना आपको स्काई ब्लू वाले में, इसका जो सैचुरेशन आप माइनस कर देना है, एंड ह्यू को आप प्लस कर देना। एंड चले जाना डार्क ब्लू में, आप चाहो तो इसका ग्लेशियर का कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी आपको करना हो कर लेना। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर का काम खत्म, तो यहाँ पे डन कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी गाइज हम इसको बढ़ा देंगे। एंड फोटो में जो विग्नेट गाइज वो डालेंगे, ठीक है। तो फोटो में विग्नेट डाल देते हैं। एंड फोटो को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा, तो इसको भी बढ़ा देंगे। एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस गाइज आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइज, जो नो डायरेक्शन आप सभी उसको बढ़ा देना है। एंड गाइज, नीचे स्क्रॉल करोगे आपको कलर नो डायरेक्शन दिख जाएगा, तो आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइज, फाइनली फोटो का जो रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। तो चलिए, कैसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।